Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें Wi-Fi Study Channel को. Hello, good morning. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल Wi-Fi Study पे. So दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसमें हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, द हिंदू के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है अगर आपको किसी भी देश की एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो उसके अंदर करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आपको करंट अफेयर इंप्रूव करना है तो द हिंदू जो है वो अपन बेस्ट सोर्स है जो कि मानते हैं. अपार्ट फ्रॉम द हिंदू, जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर में जो जो इंपॉर्टेंट होता है उन सभी को हम कवर अप करते हैं ताकि आपकी नॉलेज जो है वो भी इंप्रूव होती रहे, साथ में आपका जो करंट अफेयर में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो भी इंप्रूव होते रहे. और साथ में दोस्तों, आज जो है आज 1st of July है और मेरे ख्याल से आज CHSL का एग्जाम है, फर्स्ट है ना, तो CHSL वाले जो बच्चे उनको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से. उम्मीद करता हूं कि आप आने वाले दिनों के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे और ये जो करंट अफेयर सेशन जो आप इतने टाइम से देखते हुए आ रहे हैं ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के अंदर मदद करेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले 10 क्वेश्चन मैंने जो आपको सैटरडे को दिए थे उसमें से डिस्कस कर लेते हैं 5 क्वेश्चन, क्योंकि 5 क्वेश्चन के आंसर जो है वो मैंने आपको सैटरडे को ही दे दिए थे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन देखते हैं. इस देश की सरकार ने नीरव मोदी और उसकी बहन पूर्वी मोदी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है. द गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री हैज फ्रोजन द बैंक अकाउंट ऑफ नीरव मोदी एंड हिज सिस्टर पूर्वी मोदी. तो कौन से स्विस बैंक ने दोस्तों क्या किया है, रिसेंटली इनको क्या कर दिया है, फ्रीज कर दिया है इनके अकाउंट को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है दोस्तों वो कहां पर है, नागालैंड के अंदर है. तो आपका आंसर यहां पे ये हो जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 2019 ऑब्जर्व्ड ऑन 21 जून. द थीम ऑफ दिस ईयर इज, तो थीम क्या है इस साल की हाइड्रोग्राफी डे की, हाइड्रोग्राफिक इंफॉर्मेशन ड्राइविंग मरीन नॉलेज, ये इस साल की क्या है थीम है. आगे बात करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू डीजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड. इंडियन कोस्ट गार्ड के जो न्यू डीजी है वो नटराजन जी को बनाया गया है, के नटराजन जी को. इसके बारे में आज भी डिस्कस करेंगे, आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में इसके बारे में, इस न्यूज के बारे में डिस्कस किया गया है. अगला है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क, तो यहाँ पे कौन है, मैटी, ठीक है, फ्रेडरिकसन को नया प्रधानमंत्री है जो कि डेनमार्क का बनाया गया है. अब देखते हैं आज कोड ऑफ द डे क्या है. Everyone wants happiness, no one wants pain, but you cannot have a rainbow without a little rain. तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हर किसी को ये, लेकिन कोई पेन उठाना नहीं चाहता. लेकिन ये बात आप लोग समझते हैं दोस्तों कि कभी भी रेनबो देखना होता है तो कभी भी रेन के बिना देखना पॉसिबल नहीं है. तो सिंपल सी बात यार, अगर लाइफ में अगर आपको कुछ भी चाहिए तो पेन तो लेना ही पड़ेगा. एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, कई सारे जिम के अंदर लिखा रहता है नो पेन नो गेन, याद है ना आपको, काफी बार आपने देखा होगा. तो वो सिंपल सा जो फैक्ट है ना दोस्तों, वो जीवन का भी बहुत बड़ा फैक्ट है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी बड़ा करना है या फिर अगर आपको जो आप चाहते हैं अगर आपको वो करना है तो सिंपल सी बात है पेन तो लेना ही पड़ेगा. सुबह जल्दी उठने का भी, रात को देरी से सोने का भी, थोड़ा सा जो टेंशन है उसके भी साथ में और भी कई सारी प्रॉब्लम्स है जो कि होती रहती है स्टूडेंट लाइफ में. अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट लाइफ, सभी के लाइफ में होती है यार, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में थोड़ी सी ज्यादा लगती है हम लोगों को. ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम जो है वो आप ही के साथ में हो रही है ना. तो ये सिंपल सा एक तरीका है जो कि सबको गुजरना पड़ता है. और लोड मत लिया करो कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सबके जीवन में आ रही है यार, तो सिर्फ आप ही के जीवन में नहीं आ रही है. तो मस्त रहा करो, बढ़िया तो पढ़ाई करो, बढ़िया अपना रिविजन करो, बढ़िया चल करो. और ऐसे अगर आप एटीट्यूड रखोगे तो आने वाले दिनों के अंदर आपको रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे. तो चलिए दोस्तों आगे से देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं संडे की. तो आपको मालूम है आज है मंडे, तो मंडे को हम लोग है दो दिन का करंट अफेयर है जो कि डिस्कस करते हैं, एक तो संडे का और एक मंडे का. तो संडे के अंदर कुछ ज्यादा होता नहीं है, लेकिन इवन तो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से.
तो जो जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक तो जापान के अंदर क्या है दोस्तों, क्रिकेट कल्चर जो है ना वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसके बारे में न्यूज़ है जो कि बताई गई है। एक्चुअली के अंदर टोक्यो से 90 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है, तो वहाँ पे क्रिकेट कल्चर जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला है। आपको मालूम है US हो गया, साथ में चाइना, जापान, कोरिया, ये कुछ ऐसे देश है जो कि क्रिकेट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ इंटरेस्टेड है, लेकिन इनकी कभी टीम जो है उस लेवल के ऊपर काम नहीं कर पाई है। तो जापान के अंदर ये कल्चर है जो कि स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ट्रंप और जी ने बोला है, जिनपिंग ने, कि भाई दोनों जो ट्रेड वॉर चल रही है उसको कम करेंगे। ठीक है, तो वही वाली बात है, ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, पहले तो बोलते हैं फिर वापस से 10 दिन बाद लड़ाई चालू कर देते हैं। और यहाँ पे एक ज़बरदस्त सेल्फी है जो कि आप देख सकते हैं, अपने मोदी जी जो है वो फोटोग्राफी के अंदर काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पे देखिए एक सेल्फी है जो कि यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन PM है और साथ में जो अपने मोदी जी है, उन दोनों ने साथ में यहाँ पे लिया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के अंदर क्या किया है इसके बारे में लिखा है कि भाई बहुत ही अच्छे हैं मोदी जी, तो उन्होंने काफ़ी तारीफ है जो कि करी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको मालूम है, कैनबेरा है जो कि वहाँ की कैपिटल है। और अभी PM जो है ये कौन है, स्कॉट मॉरिसन है ना जो ये प्रधानमंत्री है। तो इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर लिखा, G20 समिट के अंदर मोदी जी ने काफ़ी मेहनत करी, क्योंकि 2 दिन का ये समिट था। 2 दिन के समिट के अंदर काफ़ी सारे नेताओं से जो है साइडलाइन ऑफ द G20 भी बातचीत करी है। तो काफ़ी सारे लीडर से जो है वो टेररिज्म हो गया, ट्रेड हो गया, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो बातचीत करी गई। तो 2 दिन के अंदर काफ़ी मेहनत है जो कि यहाँ पे दिखती है। इसके अलावा यहाँ अगर हम यहाँ पे बात करें तो बोला गया है मनोज तिवारी जी के द्वारा कि जैसे कि UP के अंदर स्पेशल स्क्वाड बनाई गई है वुमेन की, वैसे ही दिल्ली के अंदर भी बनाया जाए। इसके अलावा LOC के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, LOC बॉर्डर पर क्या हो रहा है कि जो लोग TV देखते हैं ना, तो वो एंटीना के थ्रू देखते हैं। वहाँ पे आज भी TV कनेक्शन जो है वो केबल कनेक्शन चलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एंटीना, आपको मालूम है कि एंटीना जो होता है वो बाकी चैनल भी कैच करता है। तो कई सारे पाकिस्तान के चैनल हैं जो कि LOC वाले बॉर्डर के ऊपर, जो अपने इंडियन टेरिटरी के अंदर घर है, उनके वहाँ पर चलते हैं। तो दूरदर्शन जो है ब्रॉडकास्टिंग, जो अपनी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, उसको इस बारे में पता चला। और अब वो क्या कर रही है, फ्री में जो DD कई जो ये अपने है ना जो अपने सेट टॉप बॉक्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, ताकि पाकिस्तानी चैनल जो है वो इंडियन जो लोग हैं वो ना दिख सके और इस तरीके से मैनिपुलेट हो वो ना हो सके। क्योंकि ऑब्वियस बात है, इंडिया के जो मीडिया है वो इंडियन चैनल को इंडिया की तारीफ करती है, पाकिस्तान के जो है पाकिस्तान की तारीफ करती है। हम यहाँ पे बोलते हैं पाकिस्तान ने गोलीबारी चालू करी है, पाकिस्तान वाले बोलते हैं हिंदुस्तान ने गोलीबारी चालू करी है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे इस चीज़ को टैकल करने के लिए यहाँ पे फ्री में जो है सेट टॉप बॉक्स है जो कि बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये आपको मालूम है काफ़ी अभी कल के दिन पे 4-5 स्टेट है जहाँ पे काफ़ी बारिश हुई थी, तो उसके बारे में बताया गया। तो ये फ्रंट पेज है कल के, और यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट पेज की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे पेज नंबर 6 से, और यहाँ पे राजस्थान की एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। राजस्थान की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो सभी क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे विलेज को, ताकि उन गांवों को स्मार्ट विलेज बना सके। जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ जिनके खुद के हालत जो है वो बड़े ख़राब है, खुद तो स्मार्ट बन नहीं पाए, लेकिन गवर्नर जो है राजस्थान के कल्याण सिंह जी, उन्होंने बोला है कि सभी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को क्या करना चाहिए, एक एक गाँव को अडॉप्ट करना है और उसको स्मार्ट विलेज के अंदर कन्वर्ट करना है, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है एजुकेशन की वहाँ पे प्रोवाइड करें। तो ये जो यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो गवर्नर होते हैं, आपको मालूम होगा ना। तो रिसेंटली क्या है, भरतपुर के अंदर वो महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी गए थे, तो उस यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, 2 विलेज है हेलेना और बारसो नाम के, उनको अडॉप्ट कर रखा था ताकि वहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। तो ये काफ़ी इनिशिएटिव, अच्छा इनिशिएटिव जो है उनको लगा, और उन्होंने बोला कि सभी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ऐसा ही करेगी। ठीक है, तो ये बोला गया है, ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, थ्योरेटिकल बहुत अच्छी है थ्योरेटिकली, कि चलो ठीक है किसी यूनिवर्सिटी जो है वो गांव को अडॉप्ट कर रही है, लेकिन आपको मालूम है प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं तो चीज़ें बहुत बदल जाती है। तो यूनिवर्सिटी से खुद की हालत बड़े ख़राब है, लेबोरेटरीज की हालत ख़राब है, रिसर्च के ऊपर 0 काम हो रहा है, टीचर आते हैं तो नहीं आए चाहे नहीं आए एक ही बात है, स्टूडेंट आए या नहीं आए वो भी एक ही बात है। तो कुछ हालत ख़राब है, और खुद तो स्मार्ट का जो है वो बन नहीं पा रहे, और गाँव को स्मार्ट करने की जो है पहले यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। तो प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है चीज़ों के अंदर। चलिए, आपको मालूम है आदर्श ग्राम योजना, एक आदर्श योजना भी चालू करी गई थी कुछ साल पहले, जिसमें हर एक एमपी को क्या करेगा, एक गांव को विलेज को अडॉप्ट करेगा
ठीक है, मोदी जी का इनिशिएटिव था, इनिशिएटिव काफी अच्छा था, लेकिन वही वाली बात है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कि भाई हर एक विलेज को अडॉप्ट करेगा और उसको स्मार्ट विलेज में कन्वर्ट करेगा। तो अगर उसके बाद में प्रैक्टिकल रिपोर्ट अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे कि कितने एमपी ने स्मार्ट विलेज, छोड़ो विलेज में भी दौरा नहीं किया, कितने एमपी को तो उनका गांव का नाम भी नहीं पता कि कौन सा गांव उन्होंने अडॉप्ट किया था, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी नहीं पता उनके गांव का नाम क्या था जो किसी टाइम पर उन्होंने अडॉप्ट किया था और बताया था सरकार को कि भाई थ्योरेटिकली बताया था कि भाई इस गांव को मैं अडॉप्ट करूंगा, तो थोड़ा सा अलग चीजें हो जाती है। पेज नंबर 8 की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो मलयालम फिल्म डायरेक्टर है बाबू नारायण, काफी फेमस है साउथ इंडिया के अंदर, तो उनकी डेथ हो गई है। और इसके अलावा नॉर्थ इंडिया के पेपर के लिए वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है ये न्यूज। इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँ हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे केरला टूरिज्म को लेकर एक अच्छी न्यूज है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए केरला विदेशों में क्या होता है दोस्तों कि एप्लीकेशन बनी हुई होती है कि अगर आपको नियर बाय टॉयलेट जो है ना वो पता करने के लिए एप्लीकेशन होती है, उन ऐप के ऊपर पूरा डाटा दिया हुआ होता है कि भाई कौन सी जगह पे टॉयलेट है, शॉपिंग मॉल में है या फिर किसी होटल में है, पब्लिक टॉयलेट है, पेट्रोल पंप का है, ठीक है, उसकी फोटोज होती है, कितना क्लीन है, उसकी रेटिंग होती है, हर चीज़ के बारे में दिया हुआ होता है और नियर बाय टॉयलेट है जो कि आपको बताया हुआ होता है। तो जैसे कि विदेशों में होता है यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वैसे ही केरला गवर्नमेंट ने भी इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। और आपको मालूम है गॉड्स ओन कंट्री ऐसे नहीं बोलते केरला को, केरला काफ़ी काम करता है इसके ऊपर, तो ऑनलाइन सर्च कर सकता है केरला टूरिज्म ने वेबसाइट जो है उन्होंने इसको इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है और ऑलमोस्ट 750 टॉयलेट तो उन्होंने मैप भी कर दिया है, सर्वे करके उसके बारे में बता भी दिया है ना, ठीक है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, अगर ऐसा आपसे पूछा जाए सवाल कि कौन सा राज्य है जो कि ऑनलाइन नियरेस्ट टॉयलेट के ऐप जो है लॉन्च कर रहा है, तो वो केरला हो जाएगा आपका आंसर, समझ गए। चलिए और सबसे पहले शेयर कर दो यार, जिन बच्चों ने क्लास के बारे में शेयर नहीं कर रखा वो बच्चे शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके, और क्लास में आते यार शेयर वेयर कर दिया करो ताकि सभी बच्चों अच्छी नॉलेज ले सके। केरला के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देता हूँ आपको, केरला जब स्टेट बना था 1956 के अंदर बना था, यहाँ पे तिरुवनंतपुरम आपको मालूम है कैपिटल है, 14 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, गवर्नर कौन है सता शिवम जी जो कि किसी टाइम पे CGI भी हुआ करते थे, चीफ मिनिस्टर कौन है पिनाराई विजयानंद जी है, CPIM पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्यसभा की केरला के अंदर 9 सीटें हैं, लोकसभा की कितनी 20 सीटें हैं, समझ गए, ठीक है। और केरला हाईकोर्ट है वहाँ पे कोची के अंदर है, और विधानसभा के अंदर 141 सीटें हैं, ठीक है, तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है और एडिशनल वहाँ पे इंग्लिश है जो कि काम में ली जाती है, ओके। और एनिमल जो है वो इंडियन एलिफेंट है, एलिफेंट काफ़ी पाए जाते हैं वहाँ पे, बर्ड जो है वो ग्रेट हॉर्नबिल करके है, ठीक है, तो ये सब आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। फ्रूट जैक फ्रूट है, ट्री जो है वो कोकोनट ट्री है, तो ये सब चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ जो कि है पेज नंबर 11। यहाँ पे दोस्तों वन नेशन वन राशन के बारे में बात करी गई है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। G20 के बारे में मैंने आपको बताई दिया, ठीक है, G20 के अंदर काफ़ी बड़ी जो है चीज़ों को लेकर मीटिंग हुई है। और चलिए दोस्तों इसके न्यूज़ के बारे में पहले देख लेते हैं क्या है ये क्या है वन राशन वन नेशन कार्ड। देखिए दोस्तों आपको मालूम है राशन कार्ड है जो कि बनाए जाते हैं अगर जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं, और वो राशन जो है वो बहुत ही कम कीमत के ऊपर जो है वो ले सकते हैं। तो ये होता था पहले कि अपने राज्य के अंदर ही हुआ करता था, दूसरी जगह पे जाके जो आप, ठीक है, भारत में दूसरी जगह पे जाके आप नहीं ले सकते थे, लेकिन अभी जो है ऐसा कर दिया गया है कि अगर आपके पास में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया हुआ राशन कार्ड है, ठीक है, जहाँ से आप परचेज कर सकते हो सब्सिडी प्राइस के ऊपर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। एक अपन ने एक्ट बनाया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में यही था कि भाई आपको सिक्योरिटी दी गई थी कि आपको कम से कम प्राइस के ऊपर जो है वो खाना मिल जाएगा, तो कितने गरीब हो आप तब भी आपको जो है थोड़े से पैसों के अंदर जो है वो मिल जाएगा, अगर आप थोड़े बहुत पैसे भी कमाते हैं तो, समझ गए। तो उस चीज़ को लेकर इसको बनाया गया था, और ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है और बोला गया कि पूरे देश के अंदर जो है अब आप क्या कर सकते हो राशन की जो है ले सकते हो। कई बार ऐसा लोग होते हैं कि जो लोग बिहार के हैं महाराष्ट्र में काम कर रहे होते हैं और महाराष्ट्र के हैं गुजरात में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके पास राशन कार्ड होता है लेकिन दूसरे राज्य में होने की वजह से उनको ये स्कीम का फायदा नहीं मिल सकता है ना। अभी ऐसा हो जाएगा वन नेशन वन राशन कार्ड बनने के बाद में, और कि वो कहीं से भी परचेज कर सकता है। 1 जुलाई 2020 से जो है ये स्कीम पूरे देश में लागू हो जाएगी, और 50% मैक्सिमम जो उसकी फैमिली का कोटा होगा ना वो माइग्रेंट पर्सन जो कि अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जा चुका है उसको खाना, उसको जो फूड जो है वो मिल जाएगा।
अगर कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तब भी उसको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी कम से कम खाने पीने के सामान की। तो 50% जो है वो फैमिली कोटा का जो उसको अलाउ है उसका वो ले सकता है वहाँ से, ठीक है। आंध्रा, गुजरात, हरियाणा, केरला, झारखंड, ऐसे कई सारे राज्य हैं जहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी इनिशियली स्टार्ट करी जाएगी। और ठीक है, मतलब आपको मालूम होगा कि जो सेंटर जो सब्सिडी प्राइस पे देती है ना, वो राइस जो होती है, चावल जो होते हैं, वो 3 रुपये पर केजी, और जो गेहूं होता है, वीट होता है, वो 2 रुपये पर केजी के हिसाब से जो है दिया जाता है। तो इतने कम अमाउंट में दिया जाता है कि कोई बहुत ही अगर मजदूर भी है तब भी को वो क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। बस प्रॉब्लम ये है कि राशन कार्ड अपने बहुत सारे मंत्रियों के भी बने हुए हैं, ठीक है। चलिए चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है, और इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे जब और थोड़ा सा नए इनिशिएटिव के बारे में हमें पता लगेगा कि इसके अंदर और क्या क्या है जो कि ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। माल न्यूट्रिशन की बहुत प्रॉब्लम होती है हमारे देश में, आपको मालूम होगा कई सारे जो गरीब बच्चे होते हैं उनको अच्छी तरीके से खाना नहीं मिल पाता। तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन B12 इनकी कमी की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कम से कम ये फूड जो है उनकी रिक्वायरमेंट एटलीस्ट पूरी कर देता है, समझ गए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले दिल्ली है जहाँ से इसकी पोर्टेबिलिटी की शुरुआत करी जाएगी, ओके। पहले था, दिल्ली ने कोशिश करी थी लेकिन कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से उसको रोक दिया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारे स्पोर्ट्स को लेकर है। पाकिस्तान ने एक तो बिल्कुल गले में जान आ गई थी पाकिस्तान की, और अफगानिस्तान ने ऑलमोस्ट जो है पाकिस्तान को बाहर करने का पूरा जो है जुगाड़ कर लिया था, लेकिन लास्ट बॉल के ऊपर, सेकेंड लास्ट बॉल के ऊपर जो है वो कोई अच्छी स्ट्राइक करके जो है एक अच्छा बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग विन है जो कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से ली है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो NIA को लेकर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे राहुल द्रविड़ की न्यूज़ है जो कि NCA को लेकर, ठीक है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी को लेकर। NCA के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही ज़बरदस्त एकेडमी है NCA। तो उसके जो हेड बनाए गए वो राहुल द्रविड़ को बनाया गया है, ठीक है। राहुल द्रविड़ को बनाया गया है नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जो यहाँ पे हेड है वो बनाया गया है। तो वो मंडे से जो है वो चार्ज ले लेंगे नेशनल क्रिकेट एकेडमी की, कहाँ पर है, बेंगलुरु के अंदर है। तो देश के जो भी ज़बरदस्त क्रिकेटर होते हैं वो NCA के अंदर जाते हैं जहाँ पे उनको क्या किया जाता है, ग्रूम किया जाता है। तो ये काम जो है राहुल द्रविड़ के पास में, 2 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है, और NCA के हेड ऑफ क्रिकेट के कोच है जो कि वो बन गए। जो भी नई जनरेशन के क्रिकेटर है उनको वो ट्रेन करेंगे। आपको मालूम है राहुल द्रविड़ जो काम कर रहे हैं वो ग्राउंड रूट के ऊपर काम कर रहे हैं। अंडर 19 टीम के भी ये कोच है, इंडिया अंडर इंडिया ए के भी ये कोच है, और साथ में अब NCA के भी कोच बन चुके हैं। तो कुल मिला के ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है टैलेंट को निकाल के उनको इंडिया टीम में भेजना, ताकि इंडियन टीम के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हो सके और अच्छी टीम बिल्डअप हो सके, ये काम है जो कि राहुल द्रविड़ कर रहे हैं, ओके। इनको ऑफर हुआ था कि आप सीनियर टीम के क्रिकेट कोच बन सकते हो रवि शास्त्री से पहले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था और बोला था कि ये जूनियर के ऊपर काम करना चाहते हैं, और इंडियन टीम को एक बड़ा टैलेंट पूल है जो कि देना चाहते हैं, ताकि इंडियन टीम हमेशा जो है हर फॉर्मेट के अंदर बेहतर परफॉर्म करती रहे। और उसी का रीज़न है ऋषभ पंत और भी कई सारे प्लेयर हैं, और शुभनम गिल है, और पृथ्वी शॉ है जो कि अंडर 19 से निकले, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं आज के द हिंदू की। आज के द हिंदू की बात करें तो ट्रंप ने बोला है कि वो वापस क्या करेंगे, किम के साथ में मीटिंग को रिज्यूम करेंगे, और व्हाइट हाउस के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। तो आपको मालूम है यार ये चंगू मंगू जो है हमेशा पहले तो मीटिंग करेंगे, फिर उसको वहाँ पे जो है कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी, 2 बार पहले भी मिल चुके हैं, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। इनकी मीटिंग होती है तो बेचारा UPSC जो है वो एक क्वेश्चन उठा लेता है, पेपर में बना देता है, और काफ़ी समस्याएं जो कि बच्चों के लिए हो जाती है। तो ये समझ नहीं आता मतलब करना क्या चाहते हैं ट्रंप, और ट्रंप का रिश्ते जो है वो आपको मालूम ही है, पहले भी कई बार बता चुका हूँ, पूरी दुनिया से बड़े ख़राब है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे नागालैंड को लेकर है, ठीक है, नागालैंड को लेकर है कि नागालैंड भी क्या करवाने वाला है, आसाम की तर्ज के ऊपर, आसाम की तर्ज के ऊपर नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर, ठीक है, NRC करवाने वाला है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। यानी कि जैसे आसाम के अंदर हो रहा है वैसे नागालैंड के अंदर भी सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़ेगी। इसके अलावा भारत को पहली हार है जो कि देखने को मिली, और काफ़ी बड़ा टोटल है जो कि इंग्लैंड ने दिया, और भारत तो उसको 30-31 रन जो है वो पीछे रह गया। चलिए पहली डिफीट है इंडिया की है इस वर्ल्ड कप के अंदर। इसके अलावा आपके MLA सोमदत्त, उनको कन्विक्ट एक असॉल्ट केस के अंदर कर दिया गया है।
इसके अलावा दो डॉक्टर को असॉल्ट किया गया जब एक पेशेंट की डेथ हो गई। इसके अलावा जो आपको मालूम है दंगल और सुपरस्टार जो मूवी थी सीक्रेट सुपरस्टार, उसके अंदर जायरा बहुत ही फेमस वसीम, जायरा वसीम जो है बहुत ही फेमस हो गई थी। उसके बाद से आमिर खान ने इनको कश्मीर के अंदर स्पॉट किया था और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी श्रीनगर के अंदर। उसके बाद में जब ये सेलिब्रिटी बन गई और काफ़ी नेम फेम इनको मिल गया तो काफ़ी लोगों ने कश्मीर के या फिर जो बोल सकते हैं कुछ रेडिकल सोच वाले लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया इनको और फाइनली काफ़ी डिप्रेशन में रही है, पिछले काफ़ी टाइम से डिप्रेशन में, और फाइनली इन्होंने कल ट्वीट करके बोल दिया कि अब वो बॉलीवुड के अंदर कदम नहीं रखेगी और उन्होंने बॉलीवुड को क्विट कर दिया है। तो ये एक न्यूज़ है, इसको लेकर काफ़ी दो तरीके से कमेंट आ रहे हैं, मतलब कि कई बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, कई बोल रहे हैं करना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं और यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं सेंटर, दो साल हो चुके हैं जीएसटी को, ठीक है, 1 जुलाई से स्टार्ट किया गया था दो साल पहले। सबसे पहले बात करते हैं नागालैंड की दोस्तों, नागालैंड के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा और आसाम के जो रिजल्ट है उससे पहले जो है डिक्लेयर करने की बात करी गई है। नागालैंड के जो होम कमिश्नर है रामाकृष्णन जी, उन्होंने इशू किया नोटिफिकेशन, बताया कि वो सेट करेंगे एक रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहेबिटेंट ऑफ नागालैंड, इसको बोलते हैं RIIN, इसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहेबिटेंट ऑफ नागालैंड, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि पूरा चेक किया जाएगा कि कौन यहाँ के लोकल है कौन यहाँ के लोकल नहीं है, और पॉपुलेशन जो है नियर बाय 20 लाख के आसपास है जो कि बोली जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो 20 लाख के आसपास पॉपुलेशन है और नंबर ऑफ ट्राइबल और नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ पे 25 है। 16 रिकग्नाइज ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो 90% है। नागालैंड की भी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है, हमारे बाकी राज्यों की तो बढ़ रही है, ठीक है। यूपी बिहार तो मानने को तैयार नहीं है, पॉपुलेशन में बिल्कुल थमने को तैयार नहीं है, और नागालैंड की पॉपुलेशन जो है वो 2001 से 2010 के अंदर जो है वो घटी है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर यहाँ पे वापस से क्या किया जाएगा, सिटीजनशिप जो है लोगों को प्रूव करनी पड़ेगी। 2 महीने के लिए बोला गया कि 2 महीने के अंदर ये रिजल्ट है जो कि डिक्लेयर कर देंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा राज्य जो है वो NRC करवाने वाला है तो नागालैंड आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, ओके। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 13 पे, जहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम बात करेंगे, एक तो इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर ये वाली न्यूज़ है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, एक तो यहाँ पे और एक ये वाली। एक तो है हमारी रैंकिंग के बारे में, स्विस बैंक के अंदर पैसा रखने को लेकर जो है रैंकिंग और भारत की पोजिशन इसमें कम हो गई है। यहाँ पे कम होना अच्छी बात है, भारत की रैंकिंग जो है वो 74 है और इंडियन सिटीजन के द्वारा एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा स्विस बैंक के अंदर पैसा रखने को लेकर भारत की रैंक कितनी है, 74th नंबर के ऊपर है। यूके जो है वो दुनिया में नंबर 1 के ऊपर है, ठीक है, पिछली बार जो है वो 73 पोजीशन के ऊपर था, उससे पहले भारत जो है 88 रैंकिंग के ऊपर था, तो अभी 74 से एक पोजीशन पीछे आ गया, 74 के ऊपर आ गया है, ठीक है। तो स्विस नेशनल बैंक ने ये डाटा है जो कि बताया और बोला है कि इंडिया की जो रैंक है वो पहले से बेटर है, और मतलब यानी कि थोड़ा सा जो पैसा है वो स्विस बैंक के अंदर कम हुआ है भारतीयों के द्वारा डाला हुआ, ओके। चलिए तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये वाली न्यूज़ हो गई। इसके अलावा एक ये वाली न्यूज़ भी देख लेते हैं जो कि नटराजन जी को लेकर है। के नटराजन जी को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड का, और 23rd चीफ होंगे वो इंडियन कोस्ट गार्ड सिक्योरिटी फोर्स के, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन सुबह मैंने कराया था, उसके अंदर भी मैंने इसके बारे में आपको डिस्कस किया था, ओके, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है, एक आर्म्ड फोर्स है जो कि इंडिया के जो तटीय एरिया है ना, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको देखता है कि उसके अंदर कोई बाहर से तो नहीं आ रहा है, सिक्योरिटी पूरी प्रॉपर तरीके से। तो हम क्या लेके आए थे, कोस्ट गार्ड एक्ट लेके आए थे 1978 के अंदर, तो इसके द्वारा 78 के अंदर जो है इसका फॉर्मेशन जो है 1978 के अंदर जो है इनका फॉर्मेशन करा गया था, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था, एक इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स बनाई गई थी भारत की जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है, ओके। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, नियर बाय 15,000 जवान है जो कि इसके अंदर काम करते हैं हमारे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 की बात करें तो यहाँ पे एक आप देख सकते हो 2 इंपॉर्टेंट न्यूज है, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों केन्या ने जो है वो क्या किया है, वर्ल्ड की फर्स्ट वाइल्ड लाइफ टेक लैब है जो कि बना रहा है, ओके।
देखो थोड़े बहुत कैमरे लगाने से ज़्यादा सर्विलियंस नहीं हो पाता है, ये बात जो है वो केन्या को भी समझ में आई। और आपको मालूम है कि पॉपुलेशन कम होती जा रही है राइनोज की दुनिया में, लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ब्लैक राइनोज की, यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्लैक राइनोज। जैसे कि हमारे यहाँ पे आसाम में काजीरंगा में वन ऑन राइनोज है ना, वैसे केन्या के अंदर क्या है, ब्लैक कलर के गैंडे हैं, ब्लैक राइनोज उनको हम कहते हैं। ओके और ये ऑलमोस्ट काफी कम हो चुके हैं वहां पे और प्रॉन्चिंग की वजह से, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने क्या किया है, दुनिया की पहली वाइल्ड लाइफ टैग लैब है जो कि बनाई है ताकि उनको पकड़ सके और जो है उनकी किलिंग को रोक सके। ठीक है दोस्तों, तो पूछे जाएगा कि वर्ल्ड की पहली वाइल्ड लाइफ टैग लैब कौन बना रहा है, तो केन्या आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, केन्या आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। केन्या के बारे में आपको मालूम होगा, क्रिकेट जो पहले देखा करते थे, केन्या की काफी जबरदस्त टीम हुआ करती थी, इंडिया को भी हराया केन्या ने कई बार, ओलंगा वोलंगा काफी सारे, एंडी फ्लावर, ग्रैंड फ्लावर, काफी जबरदस्त हिट स्ट्रीक, काफी जबरदस्त प्लेयर हुआ करते थे किसी जमाने के अंदर। तो केन्या की जो कैपिटल है वो नैरोबी है, नैरोबी में क्रिकेट मैचेस भी खेला करती थी इंडिया। और यहाँ की करेंसी की बात करें तो केन्यन शिलिंग है जो कि यहाँ की करेंसी है। क्या है? केन्यन शिलिंग। ठीक है, तो ये बात दो है जो कि दो बातें हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट है जो कि स्टारफिश का शेप का एक एयरपोर्ट है जो कि बनाया गया है, कहाँ पे, बीजिंग के अंदर ओपन किया गया है। एक बहुत ही मल्टी बिलियन डॉलर का एयरपोर्ट है जो कि रिसेंबल किया गया है और स्टारफिश का जो इसको शेप है जो कि दिया गया है, तो कहाँ पे, बीजिंग के अंदर इसको बनाया गया है, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की 70वीं एनिवर्सरी है उसके ऊपर इसको वहाँ पे क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टारफिश का शेप का एयरपोर्ट कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो बीजिंग आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, नासा ने अनाउंस किया है ड्रैगन फ्लाई मिशन, ताकि वो क्या कर सके, सैटर्न का जो मून है टाइटन उसको एक्सप्लोर कर सके, उसके बारे में क्या कर सके, पता कर सके टाइटन के बारे में। ठीक है, तो नासा ने अनाउंस किया है कि वो 2026 के अंदर क्या करेगी, स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेगी, उसका नाम क्या होगा, ड्रैगन फ्लाई उसका नाम होगा, जो कि सैटर्न में के मून पे 2034 के अंदर पहुंचेगा और वहां पे टाइटन के ऊपर, और पता करेगा कि कैसे केमिकल कंपोजिशन है और अर्थ से कैसे ये काफी सिमिलर है। ठीक है, टाइटन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम के अंदर और काफी आइसी आइस वर्ल्ड है उसके वहां पे। ठीक है, काफी आइसी और नाइट्रोजन जो है वहां पे देखने को मिलती है, 4 times ज्यादा डेंसर है हमारी अर्थ से। आगे बात करते हैं, गो ट्राइबल कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा, गो ट्राइबल कैंपेन है तो कि जो कि लॉन्च किया गया है और इसके अंदर क्या किया गया है, दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया गया है ताकि प्रमोट कर सके हम ट्राइबल आर्ट को, क्राफ्ट को और सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर में उनको इंक्लूड कर सके। ठीक है, इस बार मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर कौन है, रेणुका सिंह जी है यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स। आगे बात करते हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है यहाँ पे इक्विप विजन प्लान, तो इक्विप विजन प्लान जो है वो किसके द्वारा, एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, ताकि हायर एजुकेशन सेक्टर देश में बदल सके, उसको बेटर कर सके, 5 साल का प्रोग्राम है जो कि चलाया गया है। इक्विप का मतलब क्या है, क्या है, क्वालिटी एजुकेशन अपग्रेडेशन एंड इंक्लूसिव प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे एक्सपर्ट है जिनका पैनल बनाया गया है जो कि रिफॉर्म्स लेके आएंगे ताकि देश की जो हायर एजुकेशन है उसको बेहतर कर सके। तो ये तो हो गई थियोरेटिकल बात जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल बात आपको मालूम है ऐसे कई सारे रिफॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं लेकिन देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बदलने को तैयार नहीं है। यार देखो, कोई भी एजुकेशन देश का बदलता है ना तो कहाँ से बदलता है, प्राइमरी से बदलता है। अगर आप सोचो कि सीधे इंजीनियरिंग के बच्चे जो कि स्कूलिंग के अंदर ही जिन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करी है उनको हम रॉकेट साइंस पढ़ा दें, ठीक है, उनको हम पढ़ा दें कैसे स्पेसक्राफ्ट बनाते हैं, तो वो ना तो इंटरेस्ट ले पाएंगे ना उनके समझ में आएगा। सबसे पहले किसी भी देश के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर वर्क करना पड़ता है। प्राइमरी एजुकेशन अच्छा होगा तो ये बच्चे जो है वो हायर एजुकेशन के अंदर भी अच्छा करेंगे। तो नींव जो है बढ़िया रखते हैं तो ऊपर की चीज़ें इंप्रूव होती है। स्पोर्ट्स हो गया, चाहे म्यूजिक हो गया, चाहे एजुकेशन हो गया, सब चीज़ों में इसी तरीके से जो है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। IIT कानपुर को लेकर जिन्होंने ऑनर किया है गोपीचंद को, एक ऑनररी डॉक्टरेट है जो कि यहाँ पे दी है। तो गोपीचंद आपको मालूम है काफी जबरदस्त अपने बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं, कोच रह चुके हैं साइना नेहवाल और काफी बड़े बड़े प्लेयर्स के। ठीक है, तो इंडियन चीफ नेशनल, अभी हमारे भारत के नेशनल कोच भी है, बैडमिंटन कोच भी है, तो उनको IIT कानपुर के द्वारा डॉक्टरेट की जो उपाधि है वो यहाँ पे दी गई है। ओके, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, सांख्यिकी दिवस जो कि 29 जून को मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है, इस साल की थीम क्या है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि इस साल की थीम रखी गई है। तो स्टैट्स हर एक की लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। स्टैट्स जो होते हैं वो हर एक की लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि हर चीज़ को पता करने को लेकर, आगे बढ़ने को लेकर। स्टैट्स अगर आपके पास में रहेंगे, पिछले 5 एग्जाम के अंदर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आपके पिछले 5 एग्जाम में कौन से वाले सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं, उसको अगर आप इंप्रूव करेंगे तो काफ़ी मदद मिलेगी। तो स्टैट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो नेशनल स्टैटिकल सिस्टम जो है ये बनाया गया था, और महिला लोबिस है पीसी, ओके पीसी जो महिला लोबिस है, इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैट्स कहा जाता है, ओके। और उन्हीं के बर्थडे के दिन जो है इसको दिवस को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कंक्लेव है जो कि मेघालय के अंदर इसकी शुरुआत करी गई है। मेघालय की गवर्नर कौन है, तथागत रॉय। सीएम कौन है, कॉनरेड संगमा, ठीक है। और वहां पे क्या किया गया, इसकी शुरुआत है जहां पे की गई है, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर यहां पे बात करी गई है कि एक नॉर्थ ईस्ट के अंदर किस तरीके से टेक्नोलॉजी साइंस है जो कि हम ला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें 1972 के अंदर है जो कि मेघालय स्टेट बना था। लोकसभा राज्यसभा की सीटों की बात करें तो राज्यसभा की एक सीट, लोकसभा की दो यहाँ पे सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ की विधानसभा में 60 सीटें हैं, शिलोंग यहाँ की कैपिटल है। आगे बात करते हैं त्रस्कौतिक के बारे में। मार्कस त्रस्कौतिक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हुआ करते थे, किसी ज़माने के अंदर भारतीय टीम के खिलाफ बड़े ज़बरदस्त खेला करते थे इंग्लैंड के अंदर। तो फाइनली जो है इन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, इंटरनेशनल क्रिकेट से तो आज से 10 साल पहले ही निकल चुके हैं, और काफ़ी मतलब फोड़ा करते थे उस टाइम पे। मतलब अजीत आगरकर, जवाहरलाल श्रीनाथ जब बॉलिंग किया करते थे तो माइक जो ये त्रस्कौतिक थे जब ये सामने होते तो ऐसा लगता था कि यार ये बहुत बुरा मारेंगे। शहीद अनवर है, त्रस्कौतिक है, जयसूर्या है, ये कुछ ऐसे प्लेयर थे जिन जो भारतीय बॉलर को बहुत बुरा मारा करते थे उस ज़माने में। मतलब जब अजहरुद्दीन जी कैप्टनशिप किया करते थे भारतीय टीम की, उस टाइम की बात है। तो 43 ईयर ओल्ड है और अभी भी खेला करते थे वहाँ पे, काउंटी क्रिकेट खेला करते थे। तो अपने नियर बाय 27 साल के करियर को इन्होंने एंड कर दिया है। तो मुझे तो लगा था कि भाई अब तक तो पता नहीं क्या ही कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक क्रिकेट खेलना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आज हम चिली के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका के बारे में हम देख रहे हैं और आज हम चिली के बारे में जानने वाले हैं। आप देख सकते हैं सैंटियागो है जो कि इसकी राजधानी है ये वाली, और पूरा बॉर्डर एरिया है, पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन से जो है कंट्री अटैच है। पीसो यहाँ पे करेंसी चलती है, स्पेनिश लैंग्वेज चलती है, और सेबेस्टियन यहाँ पे प्रेसिडेंट है, नेशनल बर्ड कॉन्डोर है, बाउंड्री पेरू बोलीविया और अर्जेंटीना से टच होती है। इसके अलावा लॉन्गेस्ट कंट्री है अगर मैं नॉर्थ से साउथ की बात करें तो, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की बात करें तो चिली जो है वो लॉन्गेस्ट है, 2000 माइल्स है इसका एरिया। अटाकामा डेजर्ट यहाँ पे है जो कि काफ़ी कॉपर और लिथियम के लिए काफ़ी फेमस है, और ड्राइस्ट प्लेस भी दुनिया में बोली जाती है। 0.6 इंच बारिश है जो कि हर साल यहाँ पे होती है, और कुछ पार्ट तो ऐसा है जहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि 400 साल से बारिश ही नहीं हुई है, ठीक है। तो काफ़ी ड्राइस्ट एरिया है। नेशनल बर्ड यहाँ का कॉन्डर है जो कि लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है जो कि दुनिया में माना जाता है। नेशनल डांस यहाँ का है क्यूका, और ऑफिशियली इसको डांस है जो कि 1979 में बनाया गया था। बिगेस्ट अर्थक्वेक जो कि अर्थ पे आया है आज तक वो चिली के अंदर ही आया है, 1900 के अंदर यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। 9.5 इसका मैग्नीट्यूड था। अगर क्वेश्चन आए ज्योग्राफी का कि सबसे बिगेस्ट अर्थक्वेक कौन से देश में आया है, तो ये यहीं पे आया था। उसके बाद सेकंड नंबर का भी यहीं पे आया था, 8.8 मैग्नीट्यूड का। कॉपर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और दुनिया का 1/3 ये प्रोड्यूस करता है। दुनिया में पेंटागोनिया नाम की एक जगह है चिली में जो कि क्लीनेस्ट प्लेस है पूरी दुनिया में मानी जाती है। इसके अलावा इन लोगों ने क्या कर रखा है, जो एलियंस को पता करने के लिए UFO रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी बना रखी है। मतलब कुछ ही देश है जिन्होंने एलियन को पता करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, तो चिली उनमें से एक है। तो ये लोग जो है जादू को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चिली हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, सलाडो है जो कि 22,000 फीट के ऊपर है, और हाईएस्ट वॉल्केनो भी है वर्ल्ड का। इसके अलावा बात करें कंट्री ऑफ पोएट बोलते हैं इस कंट्री को, पोएट्स यहाँ पे बहुत देखने को मिलते हैं और काफ़ी पुराने पोएट है। पूडू जो है वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट डियर जो है वो चिली में ही देखने को मिलता है, बहुत ही छोटा डियर है, ठीक है। दोस्तों आप देखते हैं आज का फन फैक्ट विद वाईफाई स्टडी। संजय सिंह गुजर जी के द्वारा एक फन फैक्ट भेजा गया है, शहद इकलौता ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि हजारों सालों तक खराब नहीं होता। इनफैक्ट जो इजिप्ट के पिरामिडों में फेरो बादशाह की कब्र में पाया गया शहद,
जब खोजी वैज्ञानिकों द्वारा चखा गया तब भी यह उतना ही स्वादिष्ट था, बस उसे थोड़ा गर्म करने की जरूरत थी। तो आप देख सकते हैं जबरदस्त एक फन फैक्ट है जो कि इन्होंने बताया शहद को लेकर। शहद हजारों सालों तक खराब नहीं होता, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग बात है जो कि इन्होंने बताई है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला सवाल आज का, नासा ने डैश को एक्सप्लोर करने के लिए ड्रैगन फ्लाई मिशन की घोषणा करी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने गो ट्राइबल अभियान शुरू करने की भागीदारी करी है, ट्राइबल कैंपेन। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा को बदलने के लिए एक महत्वाकांक्षी पंचवर्षीय दृष्टि योजना जारी करी है, योजना को डैश नाम दिया गया है। पुलेला गोपीचंद निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, सांख्यिकी दिवस 2019 डैश को मनाया गया था। देखते हैं यह देश 31 दिसंबर 2020 तक यूरोपियन संघ के खाद्य आयात पर प्रतिबंध का विस्तार करता है। नई दिल्ली षड्यंत्र नामक उपन्यास के लेखक कौन है, उस सीएम का नाम बताएं जिसने राज्य के लोकतंत्र सेनानी को 5,00,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा करी है। वेस्टइंडीज के उस खिलाड़ी का नाम बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेगा। आईआईटी कानपुर द्वारा डॉक्टरेट की मानव उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये सारे आज के आपके महत्वपूर्ण सवाल है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे अच्छे वीडियोस मिलते रहे। इसके अलावा दोस्तों 9 बजे आपकी क्लास चल रही है जो कि पॉलिटी की चल रही है, तो अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो 9 बजे वाली क्लास के अंदर आ सकते हैं। और दिन में 1 बजे जो है वो भी आपके करंट अफेयर के कुछ टॉपिक की क्लास चल रही है, तो आप करंट अफेयर के कुछ अगर आपको रिसेंट टॉपिक पढ़ने तो आप दिन में 1 बजे वाली क्लास में आ सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस की भी तैयारी आपके लिए कराई जा रही है, हरियाणा पुलिस की। तो वाईफाई स्टडी 2.0 नामक चैनल है अपना, उस पर आपको हरियाणा पुलिस की तैयारी करते काफ़ी सारे वीडियोज़ मिलेंगे स्टेट के तैयारियों के, तो आप इस वीडियो को चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को जो कि CHSL का एग्जाम देने वाले हैं, आप लोगों के लिए एनालिसिस जो है आपके CHSL का एग्जाम खत्म होते ही वाईफाई स्टडी आपके लिए जरूर लेके आएगा, और देखिएगा आपके आने वाले एग्जाम में ये बहुत मदद करेगा। और इसके अलावा वाईफाई स्टडी कई सारे कोर्सेज है जो कि अन अकेडमी के ऊपर चल रहे हैं, आप वो भी दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।